शाइस्ता जैनब आयशा के बुर्के के बाहर की तस्वीरें तो सामने आ गई, लेकिन अभी भी इन्हें पकड़ना चुनौती है क्योंकि ये बेहद शातिर और चालाक हैं, जिनके अभी भी कई स्लीपर सेल वाले मददगार हैं। पुलिस इस वक्त बुर्का गैंग के एक एक संभावित अड्डे को तलाश रही है, जिसमें पुलिस की रडार पर अभी भी सबसे ज्यादा कौशाम्बी और प्रयागराज के मुस्लिम इलाके हैं। हर जगह टीमें लगी हुई हैं, गोपनीय तरीके से इसकी जानकारियां भी की जा रही हैं। कुछ जनपदों के बड़े अपराधियों को यदि कोई शरण देता है, गैंगस्टर में कार्रवाइयां हो रही हैं, 110 में कार्रवाई हो रही है। ऐसे में आप लोगों को यह बताना बहुत आवश्यक है कि कुछ आस पास के जनपदों के बड़े अपराधी इस जनपद में शरण लेने की प्रयास कर सकते हैं। वैसे कौशाम्बी पुलिस निकाय चुनाव को लेकर आईटीबीपी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च कर रही थी, लेकिन साथ ही अति गैंग के मददगारों को भी आगाह कर दिया। यूपी पुलिस को शक है कि कौशाम्बी के उन इलाकों में जहां अति की गद्दी बिरादरी के लोग रहते हैं, वहां शाइस्ता आयशा जैनब समेत पूरी बुर्का गैंग छिपी हो सकती है, जिसमें प्रयागराज के असरौली सलाहपुर हटवा इलाके के अलावा कौशाम्बी के अरसावल कला और सलवाल खुर सराय अकीर इलाके हैं। 50,000 की इनामी साइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए एसटीएफ लगातार कौशाम्बी के कई इलाकों में रेड्स कर रही है। आखिर कौशाम्बी इलाका ही क्यों, तो हम आपको बताते हैं कि जो एसटीएफ है उसको ये शक है कि गद्दी समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं साइस्ता परवीन के छुपने में उसकी मदद कर रहे हैं। यही कारण है कि कौशाम्बी और इसके अलावा जो प्रयागराज में जहाँ पर गद्दी समाज के ज़्यादातर लोग हैं वहाँ पर एसटीएफ की नज़र बनी हुई है, लगातार रेड्स वहाँ पर की जा रही है, क्योंकि अतीक अहमद जो है वो भी गद्दी समाज से आता था, इसलिए एसटीएफ को इस बात का शक है कि जो ये गद्दी समाज के लोग हैं वही लगातार साइस्ता परवीन को छुपा रहे हैं। हम इस समय कौशाम्बी में मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो है वो सराय अकील इलाका है, जहाँ पर आज भी एसटीएफ की टीम भारी संख्या में पुलिस बल के साथ यहाँ पर पहुंची थी। आज भी यहाँ पर एसटीएफ आई थी, पुलिस आई थी, फ्लैग मार्च भी यहाँ पर हुआ, इससे पहले भी रेड्स यहाँ पर काफी ज्यादा की जा रही है। तो क्या जो पुलिस को शक है कि साइस्ता परवीन यहाँ पर छुपी हो सकती है, तो कुछ इस बारे में जानकारी आप लोगों को मिल रही है? नहीं, इसे कोई जानकारी नहीं, इसे कोई जानकारी नहीं। तो आज भी पुलिस यहाँ पर काफी संख्या में पहुंची थी सुबह के समय। तो यहाँ पे इसी इलाके के अंदर जो एसटीएफ है वो लगातार रेड्स क्यों कर रही है? अब तो ये उनका काम, वही जान सकते हैं ना, हम लोग क्या बता सकते हैं। और बाकी जहाँ पूछताछ वही आगे भी है, लोग तो आगे भी बोल सकते, लेकिन यहाँ तो खाली गश्त कर रही है और पूछताछ कोई नहीं। अच्छा, अतीक अहमद को रिश्तेदार यहाँ पर भी रहते हैं इस इलाके में? हम बता नहीं सकते, इसके लिए कुछ नॉलेज नहीं। यहीं के रहने वाले हैं जी। शाइस्ता और उसकी बुर्का गैंग कहाँ है, इस वक्त पुलिस के लिए बड़ा सवाल है। यही वजह है कि पुलिस लगातार रेड कर रही है। कौशाम्बी के अलावा प्रयागराज में भी अतीक गैंग पर पुलिस ने रेड की। अतीक गैंग के गुर्गों मुमताज और शमशाद के घर पुलिस पहुंची। छापेमारी के दौरान वो घर से फरार मिले। ये दोनों अतीक गैंग के फाइनेंसर थे। IS-227 गैंग में 78 नंबर का गुर्गा है शमशाद। रेड के दौरान परिवार के 3 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कहीं ना कहीं इस पूरे गैंग की और जो साइस्ता परवीन है उसकी मदद शमशाद और मुमताज कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार ये रेड्स की गई। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची, गांव में पहुंची, तो शमशाद जो है वो मौके पर नहीं मिला। इसके अलावा जो मुमताज है उसकी तलाश में भी जो एसटीएफ है वो लगातार रेड्स कर रही है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक जो दोनों गुर्गे हैं अतीक के, उनको पकड़ा नहीं जा सका है। ये सच है कि IS-227 गैंग के बड़े बड़े गुर्गे पकड़ से दूर हैं, लेकिन यह भी सच है कि वो बचेंगे नहीं, क्योंकि योगी ने अल्टीमेटम एक बार फिर दे दिया। आप सोचिए, वे कौन लोग थे जो सारा पैसा हड़प जाते थे? सड़क का पैसा, बिजली का पैसा, गरीब के आवास का पैसा, नाली और गलियों का पैसा, ये सब हड़पने वाले लोग कौन थे? इन माफियाओं को उठा उठा करके आज हमने जेल के अंदर, सीक्रेटों के अंदर बंद करके रखा है। जो लूटते थे और फिर छाती चौड़ी करके चलते थे, आज आप देख रहे होंगे गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगते हुए फिर रहे हैं। ये है नया उत्तर प्रदेश। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी
हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर, क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।